हाय दोस्तों, मैं सुनील बगड़िया कामरा कोचिंग श्रीगंगानगर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन पढ़ने वाले हैं घातांक करने में नेक्स्ट टाइप, और नेक्स्ट टाइप में होता क्या है ध्यान से सुनिए दोस्तों। अपन को ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर इसने ए दे दिया और पूछ लिया एक्स की पावर तीन प्लस वन अपॉन एक्स की पावर तीन का मान क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपन देखेंगे कि इसका मान कैसे निकाले, तो ध्यान से सुनिए। ये किस में दिया हुआ है? क्यूब में दिया हुआ है। तो क्यूब में दिया हुआ है तो आपको ए प्लस बी का होल क्यूब याद रखना होगा। ए प्लस बी का होल क्यूब अगर करेंगे, अपन क्यूब जब करेंगे तब इसका मान अपन निकाल पाएंगे। तो इसको मैं कह दूंगा ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का क्या कर देंगे? होल क्यूब कर देंगे, और इसे कह देंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस तीन ए बी, और ये आ जाएगा ए प्लस बी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात मेरी समझ में आई होगी। अगर मान लीजिए ए माइनस बी की अगर बात करें तो ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? तो आप कह देना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस तीन ए बी, और अंदर आ जाएगा ए माइनस बी। अगर ऋणात्मक दिया हुआ तो दोनों चिन्ह किसके होंगे? ऋणात्मक होंगे। अगर पॉजिटिव दिया हुआ तो दोनों चिन्ह किसके होंगे? पॉजिटिव होंगे। अब बात करते हैं अपन और आगे, तो ध्यान से सुनिए। आपको यहाँ दिया हुआ x प्लस वन अपॉन x बराबर क्या है? a दिया हुआ, और किस में पूछा है? इसने क्यूब में पूछा है, घन में इसका मान पूछा है। तो ध्यान से सुनिए, मैं इसका दोनों तरफ क्या कर देता हूँ? घन कर देता हूँ। तो x प्लस वन अपॉन x इधर दिया हुआ है, और इसका क्या किया मैंने? क्यूब किया। तो इसका भी क्या करूँगा? क्यूब करूँगा। यानी दोनों तरफ अपन क्या करेंगे? इसका क्यूब करेंगे। और दोनों तरफ क्यूब करने पर अपन को पता है कि ये a प्लस बी का होल क्यूब हो गया। x को a मान लिया और वन अपॉन x को क्या मान लिया? b। तो a प्लस बी का होल क्यूब अपने पास बना, और a प्लस बी का होल क्यूब की अगर बात करें तो हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस तीन ए बी, और ये आ जाएगा ए प्लस बी। अब यहाँ से देखिए, एक्स ए का मान क्या है? एक्स, तो ये आ गया एक्स क्यूब। बी का मान क्या है? वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन एक्स क्यूब। फिर आएगा तीन। ए का मान क्या है? तो आप कह दोगे एक्स है। बी का मान क्या है? वन अपॉन एक्स, और इधर आ गया एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, और बराबर में क्या दिया हुआ है? ए क्यूब दिया हुआ। एक्स से एक्स कट गया। क्या मैं इस संख्या को ए लिख सकता हूँ? क्या मैं इस संख्या को a लिख सकता हूँ? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, लिख सकते हो, क्योंकि x प्लस वन अपॉन x बराबर क्या है? a है। तो यहाँ x प्लस वन अपॉन x बराबर भी क्या होगा? a। यहाँ देखिए, ये हो जाएगा x क्यूब प्लस वन अपॉन x क्यूब प्लस तीन a, और इधर आ गया a क्यूब। ये तीन उधर जाएगा, तो x क्यूब प्लस वन अपॉन x क्यूब बराबर हो जाएगा a क्यूब माइनस तीन a। क्या हो जाएगा? a क्यूब माइनस तीन a हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मुझे x प्लस वन अपॉन x बराबर a दिया हुआ है, x क्यूब प्लस वन अपॉन x क्यूब का मान चाहिए, तो अपन कर देंगे a क्यूब माइनस तीन a। क्या कर देंगे मेरे प्यारे दोस्तों? a क्यूब माइनस तीन a कर देंगे, और a क्यूब माइनस तीन a करने पर अपना क्या हो जाएगा? मान निकल जाएगा। तो ये तो था इसका बेसिक कंसेप्ट। क्या था इसका बेसिक? और अगर मैं इसके शॉर्ट ट्रिक की बात करूँ तो ये क्या हो गई? इसकी शॉर्ट ट्रिक हो गई। अगर x प्लस वन अपॉन x का मान a दिया हुआ है, तो x क्यूब प्लस वन अपॉन x क्यूब का जब भी आपको मान निकालना हो तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो a क्यूब माइनस तीन a हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? a क्यूब माइनस तीन a हो जाएगा। मैं और आगे बात करूं तो दोस्तों ध्यान से सुनना आप, अगर ये चिन्ह आपको नेगेटिव दिया हुआ हो, क्या दिया हो? ये चिन्ह नेगेटिव दिया हुआ हो तो क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया x माइनस वन अपॉन x बराबर a दे दिया, x की पावर तीन माइनस वन अपॉन x की पावर तीन का मान क्या होगा? ये आपको पूछ लिया, तो अपन क्या करेंगे? तो दोनों तरफ क्या कर दूँ मैं इसका? घन कर देता हूँ। तो x माइनस वन अपॉन x का होल क्यूब, और इधर हो गया a क्यूब। ये हो गया a, ये हो गया b। तो इसको कह दूंगा a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? तो आप कहोगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस तीन ए का मान है x, b का मान है वन अपॉन x, और इधर अपन कह देंगे a माइनस बी क्या हो जाएगा? तो आप कह देना a माइनस बी हो जाएगा x माइनस वन अपॉन x, और बराबर में क्या है? a क्यूब। x से x कट गया। यहाँ हो जाएगा x क्यूब माइनस वन अपॉन x क्यूब माइनस तीन a, क्योंकि इसको अपन क्या मान लेंगे? a, क्योंकि ये संख्या और ये संख्या दोनों क्या दी हुई है? सेम। तो ये a हो जाएगा, बराबर हो जाएगा a क्यूब। ये तीन a उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो x क्यूब माइनस वन अपॉन x क्यूब बराबर हुआ a क्यूब प्लस तीन a। क्या हो जाएगा? a क्यूब प्लस तीन a हो जाएगा।
और इसका जो फाइनल आंसर अपन निकालेंगे वो क्या कह सकते हैं कि एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब का जो वैल्यू होगी अपनी वो हो जाएगी ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस तीन ए, ए क्यूब प्लस तीन ए इसका मान हो जाएगा। तो ये तो था इसका बेसिक कंसेप्ट और ये हो जाएगी इसके शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी। अब अपन को एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे देता है उन पर अपन चर्चा करते हैं दोस्तों, तो ध्यान से सुनना। जैसे मान लीजिए कि मैंने कुछ क्वेश्चन आपके सामने पुट किए हैं और उन क्वेश्चनों की मैं अगर आपसे वैल्यू पूछूं तो वैल्यू कैसे निकलेगी, तो ध्यान से सुनिए। पहली जो मैं चार पॉइंट लिखने वाला हूं उनको ध्यान से देखिए। जैसे मैंने लिख दिया एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर, मैंने चार दे दिया और आपको पूछ लिया एक्स स्क्वेयर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर का मान क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब का मान क्या होगा, पहला क्वेश्चन ये। दूसरी बात मैं इधर करता हूँ कि यहाँ लिख दिया x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर चार है और आपको पूछ लिया एक्स स्क्वेयर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर का मान क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब का मान क्या होगा। तो सोचिए दोस्तों इन दोनों के आंसर क्या दोगे आप, सोचिए विचार करें फिर बताइए। तो ध्यान से सुनिए, आपको पता है कि जब मैंने ये संख्या आपको दी थी और मैंने कहा ये पॉजिटिव है तो इनका मान किस में आएगा, दोनों का नेगेटिव में आएगा, तो मैं इसको a मान लेता हूँ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वेयर माइनस दो लिख सकता हूँ और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए क्यूब माइनस तीन ए लिख सकता हूँ। तो इसका मान अपन निकालेंगे, तो इसका मान कैसे निकलेगा, तो आप कह दोगे ए स्क्वेयर माइनस दो, ए का मान कितना है चार, तो चार का स्क्वेयर माइनस दो, तो आप कह दोगे चार का स्क्वेयर हुआ सोलह, सोलह में से दो गया मेरे प्यारे दोस्तों कितना आ जाएगा चौदह। तो इसका फाइनल आंसर पहले का कितना होगा, क्वेश्चन नंबर एक का आंसर हो जाएगा चौदह। और दो की अगर मैं बात करूँ तो ध्यान से सुनिए, इसको अपन क्या लिखेंगे, तो आप कहोगे ए क्यूब माइनस तीन ए, ए का मान कितना है चार, तो चार का क्यूब माइनस तीन गुणा चार, चार का क्यूब होता है चौंसठ माइनस सोलह, चौंसठ माइनस कितना हुआ बारह हुआ और कितना आ गया बावन। तो इसका आंसर तो अपना हो जाएगा चौदह और इसका आंसर हो जाएगा अपना कितना बावन हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्यारे दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। अगले क्वेश्चन की अपन और बात करें आगे, तो आगे क्या दिया हुआ है ध्यान से सुनिए। अगर आपको इसका मान पूछेगा तो आप क्या इसको क्या मानोगे ए, तो मैंने कहा जब ये माइनस में हो तो यहाँ वाले का मान किस में आएगा पॉजिटिव आएगा, तो ए स्क्वेयर प्लस दो हो जाएगा, इसकी बात करूँ तो ए क्यूब प्लस तीन ए हो जाएगा। अगर मैं इसका मान निकालने की बात कहूँ तो ए का मान कितना है चार, तो आप कह दोगे चार का स्क्वेयर प्लस दो, तो सोलह प्लस दो कितना हुआ अट्ठारह, तो पहले का आंसर आया अठारह। दूसरे की मैं बात करूं तो ध्यान से सुनिए, ए का मान कितना है चार, तो चार की पावर तीन प्लस तीन गुणा चार, क्योंकि ये संख्या किस में आएगी प्लस में, तो चौंसठ प्लस बारह, तो आप कह दोगे कितना हो जाएगा सेवेंटी सिक्स हो जाएगा। तो पहले का आंसर तो आया इसमें अठारह और दूसरे का आंसर आया अपना कितना सेवेंटी सिक्स आया। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे अगर ऐसे ही क्वेश्चन की और बात करूं तो अपन डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्ट यही एकमात्र तरीका है अपन जल्दी क्वेश्चन को निकालने का। बस आप एक का मान ध्यान रखें कि एक का मान क्या दिया हुआ, जैसे एक का मान मैंने 36 दे दिया, सॉरी 6 दे दिया, कितना दे दिया 6, और आपको इसका पूछता है तो आप कर दोगे 6 का स्क्वेयर 36 माइनस 2 बराबर कितना हुआ 34, और दूसरे की बात करूं तो 6 का क्यूब 216 होता है, उसमें से कितना घटाऊं तो 36 18 घटा दो तो कितना बच गया, तो आप कह दोगे सर 198 बच गया, कितना बच गया 198 बच गया। तो ये इसका फाइनल क्या हो जाएगा आंसर, यानी ए स्क्वेयर माइनस दो किया तो 34 हुआ, ए क्यूब माइनस तीन ए किया तो 198 हुआ। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों आगे ध्यान से सुनिए, जैसे मैंने क्वेश्चन के बारे में लिख दिया, आगे एक क्वेश्चन और दे देता हूं, जैसे मान लीजिए यहां मैंने 6 लिख दिया, तो इसकी बात करूं तो ए स्क्वेयर प्लस 2 यानी 36 प्लस 2 हो जाएगा 38, पहले का आंसर तो 38 होगा, और दूसरे की मैं बात करूं तो ध्यान से सुनिए 6 का क्यूब होता है 216 प्लस 36 18 इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 234, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलो एक लास्ट क्वेश्चन की और बात करते हैं दोस्तों, सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। जैसे मैंने लिख दिया एक्स माइनस 11 अंडर रूट एक्स और माइनस एक बराबर क्या लिख दिया ज़ीरो, और आपको पूछ लिया एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का मान क्या होगा,
एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का मान क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, अभी जो वर्गों की जो बात हुई है ना, वही इस क्वेश्चन में होने वाली है। इससे ज़्यादा गहराई में अगर आपको पढ़ना हो तो दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनिए, कामरा कोचिंग में एडमिशन लेकर आप और भी ज़्यादा गहराई तक पढ़ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा गहराई तक मैं यूँ नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि जो भी जो टॉपिक दिया होता है, जैसे मैंने क्वेश्चन यहाँ जो करवा रहा हूँ वो एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वहाँ मुझे हर चीज़ बतानी होगी, एग्ज़ाम में नहीं आई हुई वो भी बताऊँगा और जो आने वाले की संभावना है वो भी बताऊँगा। तो ध्यान से सुनिए, इसकी अगर बात करें तो x माइनस 11 अंडर रूट एक्स माइनस 1 बराबर 0 है, तो मुझे किसका मान चाहिए? तो आप कह दोगे कि सर आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान चाहिए। तो कैसे निकालो? तो देखिए मुझे इस रूप में चेंज करना है, तो कैसे करूं? तो मैं कह दूं कि x माइनस 11 अंडर रूट एक्स माइनस 1 बराबर 0, तो मैं दोनों तरफ क्या कर दूं? अंडर रूट एक्स का भाग दे देता हूं, दोनों तरफ क्या कर दूं? अंडर रूट एक्स। तो इसमें भाग दिया तो ये बन गया अंडर रूट एक्स, इसमें भाग दिया तो माइनस 11, इसमें भाग दूंगा तो माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स और बराबर क्या हुआ? 0। अब देखिए इसको उधर भेज दूंगा तो ये प्लस में हो जाएगा और ये मान हो जाएगा अंडर रूट एक्स, और फिर इसकी बात करूं तो 1 अपॉन माइनस अंडर रूट एक्स बराबर क्या हुआ? 11 हुआ। यानी आपके पास एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का मान आ गया, और आपको पूछ रहा क्या है? एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर का। क्यों पूछा? आप समझ गए होंगे, ये अंडर रूट में दिया हुआ है, इसका वर्ग किया हुआ, ये अंडर रूट का वर्ग करेंगे एक्स होगा, अंडर रूट एक्स का वर्ग करेंगे ये होगा। तो आपको सीधा सा तरीका पता है, अगर ये माइनस में हो तो उधर जो संख्या मिलेगी वो किस में मिलेगी? प्लस में मिलेगी। तो 11 का स्क्वायर प्लस 2 कितना हुआ? 11 का स्क्वायर प्लस 2 कितना हुआ? तो 121 प्लस 2 कितना हो गया? 123 हो गया। आपको आगे ये भी पूछ सकता है इसी क्वेश्चन से आपको क्या पूछ सकता है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसका मान निकालो। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस संख्या को देखते हुए नहीं निकालना है, इसका मान जो एक्स का मान तो कितना है? एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का मान कितना है? 123। इसका जो मान निकालो ना आप, तो वो किसको देखते हुए निकालना है? इसको देखते हुए निकालना है। यहाँ क्या था? माइनस, तो आप क्या करोगे? 123 का स्क्वेयर उसमें क्या जोड़ दोगे? तो आप कह दोगे 2 जोड़ देंगे। तो 123 का स्क्वायर प्लस 2 जोड़ेंगे ना, तो ये होगा 15127 होगा। कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों? 15127 होगा। ये अपना क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। आज अपना घातांक टॉपिक समाप्त हो चुका है, अगले टॉपिक अपन नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।